Mr. Simon, I am not able to believe that you're backing out of this case. I was shocked when they asked me to take over. I always dreamt building my career on HiMet. But the name, Abraham Qureshi, has haunted me for 7 years. For nothing. Perhaps you'll be better. I wish you all the best. Any advice regarding this case? When you're on Qureshi's case, the whole understanding of the world will be changed. Be prepared for the experience. सोशल मीडिया की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। एक तरफ पूरे राज्य की लगी पड़ी है, दूसरी तरफ सेल्फी लेकर थाली बजा रहे हैं। मैं लाइव सारे जवाब दूंगा, पूछो क्या पूछना है। जेल में है चंद्रमती। मैं हूँ एक धर्म पत्नी। धर्म पत्नी है, धर्म नष्ट करना पड़ेगा। सर, सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, क्या करें सर? करो जो करना है। ए, तूने चंद्रमती का नंबर तो सही दिया। अरे, तूने चंद्रमती का नंबर तो सही दिया ना? क्या रे, पत्थर की जगह किडनी स्टोन लेके आया है क्या? पत्थर छोटे लग रहे हैं भाई, गोली की तरह निकलते हैं। अब तक 4 कान तोड़ चुके हैं। जाके देख भाई, मैं इस पार्टी का सेवक हूँ या इस एसीपी का दल्ला, मेरी आज तक कुछ समझ में नहीं आया। क्या रोता है, मालिक जो कहे ना वो करना पड़ता है। अरे भाई, तो अपनी दाल रोटी चला रहा है ना। शुक्र है मुझे वहाँ जाने के लिए नहीं कहा। सर, आप शरीफ पुलिस ऑफिसर है, ये सोच के वो फोन नहीं उठा रही होगी। मैं बोल देता हूँ कि आप शरीफ नहीं है। थैंक यू सर। हाय 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 हाय, इतना मत बोल, एक आग लग जाएगी। हमारे राज्य के सीएम साहब गुजर गए, कम से कम आरआईबी रिप तो लिखो, थोड़ी इज्जत तो उन्हें। वैसे कौन है रे तू? मेरा नाम गोवर्धन है सर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। यही ना, घर पे जो दीवार से बड़ी टीवी लगी है उसपे सिर्फ आइटम सॉन्ग मत देखो। सीएम साहब चल बसे, कुर्सी खाली है, उस पर कौन बैठेगा ये देखो। कोई भी सीएम बने, तुझे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, तेरा खाना पेट्रोल सबका दाम तय करने वाले वही तो हैं। जो नेक लगते हैं वो होते नहीं, पर्दे के पीछे तगड़ा ड्रामा चल रहा है, सब रंग बदलू गिरगिट हैं। अब सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा चांसेस हैं होम मिनिस्टर मिस्टर वर्मा के। उनकी मौत से पूरे देश में मातम की लहर छाई। एमएलए एमपी को जेब में रख के देश को उंगलियों पे न चा सके, ऐसे मॉडर्न चाणक्य हैं ये। पॉलिटिक्स की दलदल में आसानी से तैर कर शिकार करने वाले मगरमच्छ हैं मिस्टर वर्मा। वर्मा जी, शोर सुनाई दे रहा है ना? यहाँ सारे शीशे तोड़ दिए हमने, खुश तो है ना आप? फोन में ऑडियो आ रही है लेकिन टीवी में वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। अपनी पगार से 4 गुना ज्यादा चिल्ला रहे हैं, मतलब इन्हें पार्टी पर गर्व है। ऐसा नहीं है भाई, दूसरी पार्टी से ज्यादा पैसे दिए हमने। हॉस्पिटल के पास मेरे लौंडे बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जरा टीवी पर उनकी भी शक्ल दिखाओ, मैं देखता हूँ सर। पीकेआर अचानक चले गए, इसलिए लोगों को सदमा पहुंचा है।
क्वाइट अनफॉर्चुनेट। अब लोगों का और उनका इमोशनल कनेक्शन पहले से भी गहरा हो गया है। सुरेश, हरिता, फ्यूनरल हॉल के पास सब कुछ तुम्हें कवर करना है। ओके मैडम। या राम, सबके सामने बात करता हूँ तो तुम अनकंफर्टेबल हो जाती हो, इसलिए कॉल किया। गेट बैक टू वर्क। डीकेआर जिस हॉस्पिटल में थे वहाँ अपनी टीम क्यों नहीं है? देखो राम, वहाँ के दंगे कवर किए तो हो सकता है ऐसी चीजें पूरे स्टेट में होने लगे और ये सब कुछ फैल भी सकता है। So let's just avoid it. Shut up, please. Editorial matters में तुम डांग मत अड़ाओ। हमारा चैनल वैसे भी रूलिंग पार्टी के पैसों पर टिका है, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये चैनल कब का बंद हो गया होता। So stop making your own plans. जन जागृति पार्टी के कार्यकर्ता सीएम जिस हॉस्पिटल में है उसके बाहर आंदोलन कर रहे हैं। वैसे तो ये हॉस्पिटल अपोजिशन लीडर बंगारू नायडू का होने की वजह से इस मौत को नेचुरल ना बताकर किसी राजनीतिक नायडू बको अब मूर्तों से भी राजनीति करवाएगा? निशाना बनाने के लिए मेरा ही हॉस्पिटल मिला क्या? इतनी सिंपथी इकट्ठा करके तुम हमेशा के लिए पावर में रहने का सपना देख रहे हो क्या? जब तेरे पिताजी गए तब तूने जो खिलौनी राजनीति की थी उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है नायडू। हर कुत्ते का दिन आता है, भूलना मत। सर सर, सीएम साहब की अचानक मौत हो गई, आप कुछ कहना चाहेंगे? पीकेआर जी की आत्मा को शांति मिले, बस यही ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द मेरी पार्टी की तरफ से पीकेआर जी के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। लाइव देख रहा है ना? हाँ देख रहा हूँ। पॉलिटिक्स के दाव पेच मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। तेरे भांजे का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अब क्या बताऊँ, छोटी सी साइन करनी थी। सीएम साहब जल्दी है, काम तो हुआ ही नहीं है। उस प्रोजेक्ट पर सीएम ने एक हफ्ते पहले साइन कर दी थी, यह साबित करने के लिए उस तारीख का स्टैम्प भी बनवा के रखा है मैंने। ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना वर्मा जी। थैंक यू। पार्टनरशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। थैंक यू की बत्ती बनाकर तुझे जहाँ डालनी है डाल दे। मेरी बेटी के नाम पर सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी बची है वर्मा, बंद करवाओ यार ये सब। बस तेरा पुतला जलाना बाकी है, फिर ये सब शांत करवाता हूँ, ठीक है ना? ओ, ओ, बस यही करना बाकी है, बड़ा वाला जलाना। इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाए तो मजा आ जाए, देखना है। जल्दी चलाओ, को तमाशा देखना है। भाई को आग पसंद है, वैसे भी ठंड का मौसम है। आग लगाओ, बहुत मजा आएगा, जल्दी करो। सुन रहे सीपी, डंडे चलाने का टाइम आ गया है। हमें ना मीडिया में कवरेज और पब्लिसिटी में माइलेज एकदम भर भर के चाहिए। यस सर। ठीक है वर्मा जी, जाके एसी ऑन कर दे और कोई बढ़िया सा गाना लगा, मुझे सोना है। ये भी कोई सोने का टाइम है भैया, आंखों के सामने खून खराबा देखने से बेहतर है आंखें बंद कर लो। ये कहावत बड़े बुजुर्गों ने कही है, तू भी है ना? आप तो धन्य है भैया, तुम लोग जाओ। ये कौन सी पार्टी है रे? एक भी लड़की नहीं है, इस लापरवाही की सजा तो मिलनी ही चाहिए।
पढ़ाई की है। कॉलेज में ये डिप्रेशन में थी, ऐसे वक्त में जय ने इन्हें सहारा दिया और फिर दोनों ने शादी कर ली। ये लड़की आज तक कभी पार्टी में शामिल नहीं हुई, पापा के साथ कहीं गई नहीं और ना ही कभी दिलचस्पी ली। सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते थे पीके आर जी। पापा नहीं रहे लेकिन तुम्हारे चाचा हमेशा सेवा में हाजिर होंगे। अबे निकल ली अब चल। पीके आर जी के दर्शन का लोग इंतजार कर रहे हैं बेटी, तुम कहो तो सबको एक एक करके बुला लो। मीडिया से कह दिया यहाँ नहीं आ सकते। हाँ कह दिया, अब बैठो। एम ऑफिस से फोन आया था, वो निकल गए हैं। अरे बेटी सत्या, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। पीएमओ से अभी अभी फोन आया था। जिंदगी हो या मौत हो तो पीके आर जैसी ग्रेट। वर्मा अंकल। हाँ बेटी। कोई आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नहीं आना चाहिए। कौन बेटा? मैं देख लूंगा बेटी। राज्य में काफी गूंज रहा है। काफी कम समय में पार्टी पर पकड़ और जनता के बीच इज्जत, इसने दोनों कमा लिया। इसके बारे में मैंने रिसर्च की। ये दुबई को अपने स्मगलिंग बिजनेस का हेडक्वार्टर बनाकर पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। द मोस्ट डेंजरस एंड मिस्टीरियस मैन। लोग कितने निकम्मे हैं, लाश देखने भी आ गए। ए, चल निकल। निकम्मे कहीं गए, चल जा। सर, ब्रह्मा जी अप्रोच रोड पर पहुंच चुके हैं सर। कोई गाड़ी नहीं जा सकती, हमें ऑर्डर्स मिले हैं। प्रोटोकॉल है सर। क्या करें भैया? <भी है? laughs>
छिछोरे कितना चिल्ला रहे, पीएम को इतनी जरूरत नहीं है, पर ये ब्रह्मा जी है। ठीक है, सभी लोग अगला सीएम मुझे बनाने की सोच रहे हैं। अब ये तो मालिक का आशीर्वाद, लोगों का प्यार और ऊपर वाले की दया है। तुम भी अगर मेरे बारे में सीरियसली सोचो, अगर तुम भी सपोर्ट कर दो तो ये सही समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोलिए। भाई साहब, चिता को अग्नि कौन देगा? कार्यक्रम शुरू कीजिए, राहु काल लगने वाला है। चिता को कौन अग्नि देगा पूछ रहे हो पंडित जी? डीकेआर जी का दामाद कहो, बेटा कहो, एक जय ही तो है, सब वही करेगा। नहीं वर्मा जी, ससुर जी का बेटा और बेटी दोनों सत्या ही थे, वही अग्नि देगी। अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो लड़की है। तुम क्या? पीकेआर जी के अंतिम संस्कार के वक्त उनकी
बड़ी बेटी सत्या ने बड़े ही भारी मन के साथ उनकी चिता को अग्नि अर्पण की। अंतिम संस्कार के वक्त देश की सभी बड़ी राजकीय पार्टी के मंत्री वहां हाजिर थे। ब्रह्मा तेजा जो कि पीकेआर के कुछ चुनिंदा लोगों में से एक थे, आज इस दुखद मौके पर नजर नहीं आए, इस बात का आश्चर्य है। मुझे डर था कि पीकेआर के मरने के बाद इस पार्टी की कमान मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो पूरे राज्य पर आराम से शासन कर सकता हूँ। मैंने साथ कब छोड़ा है वर्मा जी? वो तो है, पर एक बात समझ नहीं आई, अगर ये पार्टी के पास इतना पैसा है तो वो इतनी सड़ी हुई जगह पर, मेरा मतलब सीक्रेट जगह पर क्यों रहता है? वर्मा जी, इस देश में कोई भी गलत काम सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, पॉलिटिक्स। बाकी के गलत काम जितने छुप छुपा कर करो उतना बेहतर है। इसमें अब्दुल शातिर है, इस बस्ती के आधे लोग उसी के लिए काम करते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर के घेरे में सिर्फ उसी के आदमी रहते हैं। आम आदमी तो क्या, पुलिस भी यहाँ बिना परमिशन नहीं आती। अगले 2 साल तक सब ठीक है, उसके बाद क्या? हमारी पार्टी इलेक्शन जीतेगी इसकी गारंटी दे सकते हैं? देनी पड़ेगी, और उसके लिए चाहिए फंड्स, जो उसके पास मिलेंगे आपकी सोच से ज्यादा। ठीक है, चलिए इससे फंड्स नहीं लेते, कल ऑपोजिशन वाले पावर में आएंगे, वो केसेस रीओपन करेंगे, कोर्ट के चक्कर लगवाएंगे, जेल भेजेंगे, आप उसके लिए तैयार हैं? वर्मा जी आप आगे बढ़िए, मैं हमेशा आपके साथ ही था, साथ ही रहूंगा, पीछे हटने का मन बना लिया तो इट्स फाइन, जैसा आप चाहो। सच कहूं तो सीएम साहब के गुजरने के बाद पूरी बात तो बता रहे हैं। ये लुकस नहीं है अब्दुल जी, लुकस के ट्रक्स का बिजनेस यही संभालते हैं। जैसे हमने बात की थी, मेरे पास सिस्टम है और आपके पास पैसा है, हम दोनों मिलकर करोड़ों कमा सकते हैं। पैसों की परवाह नहीं है, तुम्हारी पार्टी को मदद करने से मेरा क्या फायदा है? मेरा पूरा स्टेट तुम्हारा, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी के साथ ड्रग्स का खुलेआम बिजनेस करो, फ्लोका, AH7921, क्रिस्टल मेथ, मूंगा, क्रोकोडाइल, जो भी तुम चाहो, जो ड्रग्स बेचना चाहो बिना रोक टोक बेच सकते हो। पुलिस, मीडिया, कानून, जनता, इन सब की फिक्र मुझ पर छोड़ दो। लूकस को सबूत दे रहा है, एक बार फिर सोच लिया? सोच लिया। लूकस को फोन लगा। लूकस तो कब से हमें देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है। How much do you want? 750 crores. And I need it 6 months before the election. On one condition, you have to arrange a drug production plant in your state. इससे पहले तुम्हारी सरकार ने जो डिफॉरेस्टेशन एक्ट की आड़ में हमारा माल जब्त कर रखा है उसे खुलवा दो, वही हम हमारा ड्रग प्रोडक्शन प्लांट शुरू करेंगे। यस और नो? यस। एंड द डील इज ओके?
तुम्हारे नेटवर्किंग का तो मैं फैन हो गया हूँ, लेकिन पीकेआर तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन मुझे फर्क है, मेरी गवर्नमेंट में तुम्हें फुल पावर मिलेगी। पार्टी में मेरे बाद दूसरी पोजीशन पर हो गए तुम। पता, गवर्नर को देने के लिए मिनिस्टरों की लिस्ट भी तैयार है। देखो, होम और डिप्यूटी सीएम दोनों खाली रखे हैं। जो तुम्हें बनना है बन जाओ। अच्छा वर्मा जी, पीकेआर के बाद अगला सीएम मैं बनूंगा, ऐसा ढिंढोरा पीट रहे थे ना। ऐसा है कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना। पीकेआर के मरने के बाद आपको सीएम बनाना होता तो मैं खुद अपने हाथ कीचड़ में क्यों डालता। पिछले 6 महीनों से तुम लोगों ने अपने मंत्री पद का फायदा उठाकर सारे क्रिमिनल्स और कामचोर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मजाक समझ रखा है क्या? जिसकी वजह से तुमने इतनी हिम्मत आई, तुम्हें इस मंत्री पद से हटाकर 2 मिनट में पार्टी से बाहर करने में मुझे न कष्ट होगा न अफसोस। संभल कर रहो, चलो निकलो। माफ कर दीजिए। जाइए जाइए, काम कीजिए। ये सब क्या हो रहा है जय, बताओगे? मैं देख लूंगा पापा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सारे फसाद की जड़ तुम हो। अगली बार तुमने या उनमें से किसी ने कोई भी गलत काम किया तो बहुत बुरा होगा, समझ गए? मैं सब समझ गया, लेकिन आपकी बातें सुनकर बैल की तरह मुंडी हिलाकर जो गए ना, बहुत खतरनाक लोग हैं। जब से पार्टी में आया, पैसे कमाने के इतने तरीके बताए जितने मैं भी नहीं जानता था। It was shocking। हमारी पार्टी के नाम के आड़ में देश को अपने बाप का माल समझ के हर मंत्री अपनी जेब भर रहा है, लेकिन पार्टी को कोई फायदा नहीं। इसीलिए उन सबका लीडर मैं बन गया। मैंने भी कमाया और उन्हें भी कमाने का मौका दिया। बिना पैसों के एक भी इंसान पार्टी में नहीं रुकने वाला। मेरे कमाए पैसों से ही पिछले 4 सालों से पार्टी चल रही है। आपको बस लगता है कि पार्टी आप चला रहे हैं। पापा समझ लीजिए, पार्टी चाहिए या प्रजा, कोई एक चीज चुन लीजिए, दोनों किसी को नहीं मिलते। प्लीज पापा, इतनी जल्दी हमें छोड़कर मत चाहिए, प्लीज। मुझे मारने की धमकी दे रहा है पार्टी को पावर में रखने के लिए। मैं किसी को भी मार सकता हूँ। नीचे बताते तो पैरों तले जमीन खिसक जाती। आप जमीन से आसमान में उड़ने के सपने देख रहे हैं ना, इसीलिए आपको आसमान में बता दिया। इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। सत्या चाहती है कि मैं सीएम बनूं, उसे भी मारोगे? उसे मना लूंगा। कैसे? सत्या बेटी, अभी पार्टी की जो हालत है, जय को भी सीएम बनाना सही होगा। पार्टी में इतने सीनियर मिनिस्टर होते हुए जय को सीएम बनाना क्या सही होगा? पार्टी में एक्सपीरियंस से ज्यादा एक्सपर्टीज जरूरी है मैडम। जय जी ठीक है, आप जानती हो या नहीं, पर अब तक पीकेआर सर ने जितनी भी जनहित योजनाएं बनाई थी वो सारी जय सर ने ही बनाई थी। हाँ, मैडम सारे के सारे विश्वासघाती है। जी जी, अब एक चोर दूसरे को क्या सिखाएगा। लेकिन जय ये बताओ, इतनी जल्दी सबको अपनी तरफ कैसे कर लिया? उनके फायदे को अपना फायदा बना लिया, फिर मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। काम देना मेहनत वो करेंगे। मधु कौड़ी के मिनिस्टर कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, सत्या बेटी हमेशा मेरी ही तरफदारी करेगी। सत्या बेटी, असल में हम लोग भी नहीं मान रहे थे, फिर वर्मा जी ने हम सबको समझाया। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप नंबर 2 बनकर रहेंगे तभी आपके पैसे, आपकी इज्जत और आपकी जान बची रहेगी। जितने हाथ पैर मारे, अब ब्रह्मा क्या सोच रहा है उसी पर सब निर्भर करता है। क्योंकि M&M जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के जरिए पार्टी को फंड्स दिलाने वाला ब्रह्मा ही तो है। अब इस कंपनी के साथ ब्रह्मा का क्या संबंध है, ये तो ये क्या बात?
बात हुई सर, बिना सोचे समझे कुछ भी बके जा रहा है, आपके बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। उसके नजरिए से आज राज्य के हालात कैसे हैं वो हमें समझ में आ रहा है। और हाँ, एक स्टूडेंट के तौर पर आपका काम सिर्फ थ्योरी समझाना ही नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आज की हकीकत क्या है। भाई, नरसिम्हा रेड्डी का फोन है, जय को सीएम बनाने के लिए पार्टी के मंत्री कुछ ज्यादा ही उत्सुक है। मैं जानता था, एक बहुत सुंदर राज्य हुआ करता था, वहां के राजा से सभी प्यार करते थे। कुछ समय के बाद वहां उस राज्य में बदकिस्मती से एक राक्षस घुस आया। सत्य, अब तक सोई नहीं, क्या सोच रही हो तुम? मुझे लाइफ में जब भी अधूरापन लगा, तुमने मेरा साथ देकर मुझे हमेशा जीना सिखाया। पापा के जाने के बाद उनकी विरासत संभालने के लिए मेरी फैमिली में ही कोई है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो मंत्री आए थे? शाम को आए थे, मुझसे बात करने आए थे, मैंने मना किया तो तुम्हारे पास आ गए। तुमसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान यहाँ कोई नहीं, सब यही कहते हैं। सत्या प्लीज। कुछ देर पहले वर्मा जी ने कॉल करके यही कहा था। क्या कहा था? पार्टी में उस ब्रह्मा का सामना करने की हिम्मत सिर्फ तुम में ही है, और सच कहूं तो मुझे भी यही महसूस होता है। तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं राजी हूँ, क्योंकि उस ब्रह्मा की वजह से बचपन से तुमने कितना कुछ सहा है मैं जानता हूँ। योर एनिमी इज माय एनिमी। ब्रह्मा इस पार्टी पर अपनी पकड़ नहीं बना पाएगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू जय। जानवी ने एक बुक मंगवाई थी, शाला है। जानवी इन दिनों मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, कम से कम तुमसे बात करती है, इससे ही मैं खुश हूँ। ये बस उसके मूड स्विंग्स है, मैं बात करके उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ। उस राक्षस की बातों में आकर वहां की राजकुमारी उसके चंगुल में फंसती जा रही थी। I've got something for you. Book open करके देखो। Fresh banana cream. नहीं, अब मैं ये सब नहीं करती। सुधर रही हूँ। तुम्हारा छोड़ भी तुम्हारे जितना खूबसूरत है। सर, मैं डेविड बोल रहा हूँ। जानवी नाम की लड़की से आपने मुझे मिलवाया था, वो फोन पे कह रही कि मैं उसे माल दे दूं, वो पैसे बाद में देगी, अभी क्या करूं सर मैं? I know you want this. रख लो। नया परफ्यूम है। थैंक्स का। जैसे राक्षसों से राज्य को बचाने के लिए महाराजा ने वहां के एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे सेनापति बनाया। तो वो सेनापति राज्य को बचा तो लेगा ना? अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। लोगों का चहेता बन गया, एकदम पॉपुलर बन गया। मैयत पर उसके साथ आए लोगों को देखकर मेरी तो आंखें फट गई। मुझे ये सब क्यों बता रहे? ब्रह्मा का सपोर्ट अगर हम ना भी चाहें, वो अपनी ना गढ़ाएगा जरूर, इसीलिए ना बात करके सब क्लियर कर लो। बुला लीजिए।
कोई जवाब बोलेगा तो हाथ काट दोगे। कह रहे कि जय सीएम बने तो बेहतर होगा, आपके लिए या राष्ट्र के लिए। ना ना ऐसा नहीं है ब्रह्मा, वीके आर जी अचानक चल बसे लेकिन जाते जाते भगवान बन गए, लेकिन उन्होंने एक गलती की, अपने साथियों को बिल्कुल दिशाहीन छोड़ गए। इस बात का ऑपोजिशन वाले फायदा उठाने को एकदम तैयार है, जाति के नाम पर दंगे, प्रांतों के बंटवारे, सबसे लड़ने के बाद आने वाले इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए हमारे पास जो खजाने वो काफी नहीं है। हमारे पास एमएनएम के फंड्स तो है ना। नॉट इनफ पीनट्स, अ फूड फॉर पॉवर्टी, नॉट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। नहीं मतलब जय कह रहा है कि पार्टी चलाने के लिए, इलेक्शन का प्रचार करने के लिए फंड्स कम पड़ जाएंगे। वो तो शुक्र है ऐसे वक्त पर जय के कॉन्टैक्ट्स बड़े काम आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी हमारी मदद कर रही है, अभी अभी उनके साथ डील करी है। तुम पार्टी के ट्रेजरर हो इसलिए तुम्हें ये सब बताना जरूरी है। किसकी कंपनी है? फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मार्केट पर क्या स्ट्रांग पकड़ है? हाँ, कौन सी मार्केट पर स्ट्रांग पकड़ है? गोवा, मुंबई, लक्षद्वीप और गोवा मुंबई लक्षद्वीप फार्मास्यूटिकल्स। ड्रग्स? ना ना ना, फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन, वो ड्रग्स नहीं, नार्कोटिक्स। ये मुझे बोलने दोगे? हमें एक दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है वर्मा जी। यस ड्रग्स है, सो व्हाट, नार्कोटिक्स इज अ डर्टी बिजनेस। डर्टी बिजनेस की बातें तुम कर रहे हो ब्रह्मा। दुबई में क्या किया, इतने बड़े कैसे बने, ये सब मैं नहीं जानता। मेरे और मेरे फैसलों के बीच में ना हो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए अब कोई पीकेआर नहीं है। तुझे बचाने के लिए भी कौन है रे बच्चा? ब्रह्मा एक एक मिनट रुको, बात कर सकते हैं। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? होम, रेवेन्यू, फाइनेंस, जो मर्जी बोलो। मैं लालची नहीं हूँ, तो क्या तरीका? तरीका सही होना चाहिए। यहाँ कौन कब कैसे खेल खेलता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस खेल में किंग भी मैं हूँ। किंग हो या किंग मेकर, सबको बनाने वाला है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा जब तक मैं हूँ, ये पार्टी कभी भी गलत हाथों में नहीं जाएगी और इस कुर्सी पर दीमक भी नहीं लगेगी। यह ब्रह्मा है या आग उगलते सूर्यदेव? हाँ मखा, हमने इस मुसीबत को बुलाया। नहीं वर्मा जी, अगर ये मीटिंग ना होती तो इसकी आकड़ का अंदाजा ना होता। अब एक काम करो, सभी एमएलए से बात कर लो, एक को भी मत छोड़ना। किस किस को कितना चाहिए पता करो और उसके मुंह पे मारो। मैं बात कर रहा। सारे इक्विपमेंट्स तैयार हो गए हैं, जैसे ही मेरी फैक्ट्री खुल जाएगी सब भेज दूंगा। ध्यान रहे कि बात लीक ना हो। Just send it. I'll take care of it. How is it going? कल 140 MLAs के साथ गवर्नर के पास जा रहे हैं। Soon you will see me as the CM. That is good, CM साहब.
भीमवरम के एमएलए राजू जी, नरसिम्हा रेड्डी हमारे पार्टी के एक पिल्लर जैसा व्यक्ति है। जानता गोल्ड शेषाद्री वाइजैक के एमएलए, जरा उंगलियां दिखाइए, भक्तिदा का प्रशंसक है। भैया अंदर बिजी है, क्या बात है बोलो। यहाँ मीटिंग शुरू हो चुकी है, भाई का प्लान क्या है पूछ कर बताता हूँ। हाँ नमस्ते। बच्चे को चैन पहनाने के लिए नहीं, इसका नाम रखने के लिए रेणुका ने तुम्हें बुलाया है। हाँ भैया। कहती थी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, उस झूठ को सच में बदलने वाला वरदान है ये। इसका नाम है सत्या। सत्या आपके हाथ में जो लेटर है उसमें आपको जय के सीएम बनने पर कोई एतराज नहीं है ऐसा लिखा है, साइन कर दो तो तुरंत बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। सभी एमएलए जय को सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, आज या कल में गवर्नर सर से भी अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। पॉलिटिक्स के खेल इन्होंने शुरू कर दिए हैं, जाकर बताएं कैसे खेलते हैं। आपने हमारी इतनी मदद की है इसमें कोई शक नहीं, पूरे 140 लोग आपके साथ हैं। सिर्फ 139 है। 139 कैसे है, 140 है ना। इन भेड़ों के झुंड में भेड़ की खाल पहना एक कुत्ता भी है, ये कुत्ता ब्रह्मा का वफादार है, हमें काटने आया है। अगर उसे एक कुत्ते को मार दो तो 139 ही बचेंगे ना। क्यों नरसिम्हा जी, इंजन की आवाज आ रही थी, चौपड़े से बाहर आया तो देखा वहाँ 20 लोग थे, उनको देख के कुछ अजीब लगा। जीप में ट्रक में ढेर सारी मशीनें थी, सिर्फ इतना ही नहीं बंदूक और पिस्टल भी थी, वो आपस में फुसफुसा रहे थे। फिर गांव में बातें होने लगी और पता चल गया कि वो लोग वर्मा जी के आदमी है। जब सब मेरा साथ दे रहे तो तू अकेला ब्रह्मा का साथ देकर मेरा क्या उखाड़ लेगा। तू मरा तो सिर्फ एक बाय इलेक्शन करना पड़ेगा, तेरे मालिक को कुछ बताना है तो बता दे, कुत्ता है ना आखिरी बार भौंक ले, भौंक। बोलो रेड्डी। ब्रह्मा भाई मैं पकड़ा गया, बाकी सब भी सामने आ जाओ। वफादार कुत्तों ने अगर एक साथ भौंकना शुरू किया तो सीएम की कुर्सी सुन भी नहीं पाऊंगा। ये क्या हो रहा है, तुमने तो पैसे लेकर साइन कर देंगे ऐसा कह के मुंडी हिलाई थी ना, अब ये क्या नौटंकी हो रही है। देखिए तब ब्रह्मा ने कहा मान जाओ तो मान गया, अब कहा उठ के चले जाओ तो जा रहे हैं। चला
खिसक लो। सरकार ने इस फैक्ट्री को सील किया है, तुम्हारे बाप की जगह नहीं है। कौन है रे तू? बोल दिया ना जालपोट, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ए शोले, खोपड़ी में छेद करूंगा तो नामो निशान का पता नहीं चलेगा। ब्रह्मा ब्रह्मा की रट लगा रहा, क्या हुआ बोलेगा? हम जिस ब्रह्मा को जानते हैं वो कोई और ही है। ये तो है शिव तांडव करने वाला काल भैरव। अभी रिपोर्ट किया है सर, 2 किलोमीटर रेडियस में देखा लेकिन कुछ भी नहीं मिला है सर। एटलीस्ट बुलेट के सिंग वेपन्स एनीथिंग? मेटल डिटेक्टर से चेक किया था सर, कुछ भी नहीं मिला सर, लगता है खबर छूटी थी। आएं दरी,
क्या हुआ बताओ, कितनी देर लगा दी, क्या खबर है? वर्मा जी, आपको ये खबर देने वाला या तो पागल है या ब्रह्मा के पास कोई बहुत बड़ा जादूगर है। यह मैदान साफ है जैसे स्वच्छ भारत अभियान हुआ हो। ए, क्या बोल रहा है तू? अरे वहाँ इतनी लाशें भेजी तो गई कहाँ? खोलूंगा तो सबके मरे हुए दादा परदादा बाहर आएंगे। और आपने बताया वैसा कुछ नहीं है, यहाँ लाशों का नामो निशान नहीं है। मीडिया नहीं आई इसलिए ठीक है, वरना भांडा फूट जाता। अगली बार ब्रह्मा के खिलाफ कोई प्लान बनाओ तो कहीं सुनी पर नहीं, आंखों देखी पर यकीन करना। प्लॉट खरीदने आए हो क्या? निकलो यहाँ से। मैं इस राष्ट्र को ट्रक से आजाद करना चाहता था, लेकिन उस जय ने तो यही ड्रग्स की फैक्ट्री लगाने की हिम्मत दिखा दी। बताइए भाई क्या करना? कल ही फॉरेन पार्टी की एक कमिटी मीटिंग बुलाओ और कह दो कि मैं इस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। इसी बात का तो हम इंतजार कर रहे थे ब्रह्मा, अभी जाकर मैं सबको खबर कर देता हूँ। Satya, I told you I need some space. Jay, open the door. Tum se keh rahi hu. 3 ghante ho gaye. Kitni sharab piyoge? Mujhse baat kyun nahi karte? Because I don't want you to get disturbed. What are you talking about? Kal subah party president select karne ke liye committee meeting rakhi hai. Hamare 100 MLAs ko bhi apni taraf karna chahta hai. Satya, usne papa ke jaane ka intezar kiya, par ab wo apne asli rang dikha raha hai. उनके सामने बेचारा लाचार बनकर जीता रहा और अब उनका वारिस बनने की कोशिश कर रहा है साला। सत्य एक चीज मांगनी है, हारने की इजाजत देता, क्योंकि जीतने की जितनी भी कोशिश करूं पार्टी के टुकड़े होकर रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे क्या हो जाएगा, महान पीकेआर ने जो मेहनत से पार्टी बनाई थी उसका प्रेसिडेंट ब्रह्मा बनेगा।
सुपुत्री सत्या जयदेव, आज हमारे बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने आई है। बेटी सत्या। सभी को नमस्कार। सीधा मुद्दे की बात करती हूँ। पिताजी के गुजर जाने के बाद कुछ लोग पार्टी पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। इसीलिए मेरे पति पीकेआर जी के दामाद, जिन्होंने पार्टी की बहुत सेवा की है, जय को पार्टी प्रेसिडेंट बनाने का प्रस्ताव रखा। मैडम, ये पार्टी की कमेटी मीटिंग है, सिर्फ कमेटी के लोग ही बात कर सकते हैं। क्या कह रहे हो नायडू? अरे यार, क्या नाम है इसका? हाँ रेड्डी, तुम क्या कहना चाहते हो? पीकेआर जी की सुपुत्री को यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है, यही ना? वो पीकेआर जी की बेटी है, इसलिए हम सभी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन पार्टी के मामलों में दखलंदाजी ना करें वो। ये बोलने वाला तू कौन है रे? रुको ना, ब्रह्मा आएगा ना यहाँ। अरे क्या ब्रह्मा आएगा? ये क्या है, ब्रह्मा आएगा, ब्रह्मा आएगा बोल के बहुत भड़क रहे हो? वो जो भी हो, पीकेआर जी की बेटी सत्या मैडम से बढ़कर नहीं हो सकता है। सत्या मैडम ही सबसे बड़ी है। देखिए, जो भी है, जो भी फैसला करना है, ब्रह्मा के बगैर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से बात करने आई थी, जो कहना चाहती थी कह देती हूँ। किसी का इंतजार करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। इंतजार करना पड़ेगा। प्रचार के लिए ठीक है, लेकिन मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना, सत्यप्रिया बनेगी। राष्ट्र का फैसला करने के लिए हैसियत भी होनी चाहिए, पद संभालने के लिए क्षमता होनी चाहिए। ये बुजदिलों के बस की बात नहीं है। इतने लोगों के बीच एक लड़की से इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं भाई? वैसे भी वो तुमसे नफरत करती है, ऐसा कुछ करोगे तो पानी सिर के ऊपर से निकल जाएगा ब्रह्मा। निकलने दीजिए ना, इसी नफरत को अपना हथियार बनाकर मैं असली सत्य को दुनिया के सामने लाऊंगा। वारिस को चाहे कभी कोई पद न मिलता, काबिलियत मिलती है। आग में जल कर ही लोहा धारदार तलवार बन सकता है, रेंगने वाला कीड़ा भी चार लोगों में जलील होने के बाद ही एक खूबसूरत तितली बनकर आसमान को छूता है। करना होगा, ये सत्या की अग्नि परीक्षा है। सत्या पीकेआर जी की बेटी है, इतनी हैसियत काफी है। पीकेआर जी की बेटी है तो घर में अपनी हैसियत जताए, यहाँ नहीं। उनको अगर तुम पे इतना भरोसा है तो तुम्हें सिर पर बैठा के घुमाए, हमारे सर पे ये कफन मत बांधो। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैंने बात कैसे की? मेरी हैसियत क्या है, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्हें बताना चाहती हूँ, ये मेरी सफाई नहीं, मेरा जवाब है। मेरे पापा पीकेआर जी ने इस पार्टी को बड़ा बनाने में, इस राष्ट्र को संभालने में पूरी जिंदगी आप सबके साथ बिता दी। आपने भी बहुत मदद की, लेकिन उस दौरान मैंने कुछ खो दिया था, मेरा बचपन, माय ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। एक 7 साल की बच्ची हमेशा अपनी 1 साल की छोटी बहन के साथ रात को इंतजार करते थे कि पापा आकर उन्हें संभाल के, लेकिन हाथ आई सिर्फ निराशा। प्रत्येक अक्षर लिखा करती थी मैं, अपने पापा की सोच राजनीति करने का
रग रग में बसा है, उस खून की भी हैसियत। मैं जानबूझकर कभी पार्टी का हिस्सा नहीं बनी, पर ये पार्टी हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रही है। आप मेरा कुटुंब है, ये मेरा घर है। अपनी फैमिली से बात करने के लिए हैसियत जतानी पड़ेगी। हैसियत पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सिर्फ आपके पति होने की वजह से क्या हम जय को इस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दें? साजिश करने की कोशिश कर रहा है। And I can understand that. हमारे परिवार को पार्टी से दूर रखने की ये एक चाल है। आपके हिसाब से मैं इस पोस्ट के लायक नहीं, लेकिन पीकेआरजी की बेटी सत्या तो इसके लायक है ना? जी। I know what I'm doing, सत्या। जन जागृति पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए मैं सत्या का नाम आगे करता हूं। अगर सामना करने की ताकत या रोकने की हिम्मत हो, यू आर मोस्ट वेलकम। जन जागृति पार्टी की नई अध्यक्ष श्रीमती सत्यप्रिया जी का मैं अभिनंदन करता हूं। कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोई जवाब नहीं था। ऐसी चाल चल के उन 40 एमएलए को भी अपनी तरफ कर लो तो आनंद आ जाए। जल्दबाजी मत कीजिए वर्मा जी, असली खेल कल पता चलेगा। तुम्हें अब यहाँ नहीं रहना, पर आखिर जाओगी कहाँ? आपने आज तक मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं भैया, इसलिए अब मैं बोझ नहीं बनना चाहती। देखो रेणुका, ये आश्रम हम जैसे अनाथों के लिए ही बना है। बाहर की दुनिया ने हमें स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तो हम सब यहाँ हैं। तुम वहीं जाना चाहती हो, कैसे गुजारा करोगी? मैंने मन बना लिया है भैया, अब मुझे आप मत रोकिए। तुम्हारी मर्जी, ये पैसे रख लो। इसे जहां भी जाना है वहां छोड़कर आए। ठीक है। सुनो रेणुका, अगर कोई भी परेशानी हुई तो इसे अपना भाई का ही समझना। मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह बोलना मत। सत्या, फिर शुरू हो गई। मना
किया था तब भी तुमने इसे क्रेडिट कार्ड दिया ना? पिछले महीने इसने 3.5 लाख रुपए निकाले हैं। जब आप मांग रही हो तो कुछ बोलती ही नहीं। सत्या, जानवी छोटी बच्ची है, यू नो दैट। मैं नहीं, तुम ही इसे छोटी बच्ची समझ कर ज्यादा लाड़ करते हो। जानता, तुम जाकर न्यूज चैनल देखो। What? There's something important and you'll feel better. Don't support her, Jai. मुझे आजकल इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। You go. I'll handle her. लोकल ड्रग्स लेने से मना किया ना? सेहत खराब करनी है तुम्हें। बहुत मन कर रहा है लेकिन फिलहाल एक जरूरी काम निपटाने जाना है। से नो टू लोकल ड्रग्स। आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी कंप्लेंट लिखवाए बिना आप हमारे चैनल से इस बात को क्यों कहना चाहती हैं? मैं डर गई थी। उसका नाम है पावर है। मेरी और मेरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। कौन है वो? आप हमें उसका नाम बताइए। आपको इंसाफ मिलने तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कहिए। ये बच्चा किसका है? इस सवाल को मैं हमेशा टाला करती थी लेकिन सच तो ये है कि ये मेरा और ब्रह्मा का बच्चा है। भैया मैं कहती थी ये झूठी है। भगवान जैसे आदमी पे इल्जाम लगाएगी तो नरक में सड़ेगी। ये तुम्हारा प्लान है या जाएगा? मुझे DRP चाहिए और उन्हें पॉलिटिकल फायदे चाहिए। सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। कहता था सबके सामने मुझे भैया को। आश्रम में बहुत तकलीफ झेली है। ये मेरी अकेले की पीड़ा नहीं है। आश्रम की अड़ में ब्रह्मा बहुत से घिनौने काम करता है। सब लोग उससे परेशान है। मेहरबानी करके मुझे और मेरे बच्चे को उससे बचा लीजिए। तो देखा आपने, रेणुका जी ने बहुत कुछ सहा है। ये बड़े लोग अपनी पहुंच का फायदा उठाकर कमजोरों पे जुल्म करते हैं। जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिल जाती तब तक हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। देखते रहिए NNTV। ब्रह्मा पता चलेगा तुझे। इस देश में किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो उसका साथ देने के लिए हमारी पार्टी हमेशा हाजिर रहेगी। हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा फैल चुकी है न्यूज। लेकिन ब्रह्मा अब क्या करेगा? सोचकर डर लग रहा है सर। देखो अब सिर्फ प्रोफेशनली नहीं पॉलिटिकली भी सोचा करो। ब्रह्मा जैसों के बचाने के लिए ही पॉलिटिक्स बना है। आपकी पार्टी का अहम मंत्री है। पार्टी प्रेसिडेंट का हाथ हमारे सिर पर होगा तो हम इस काम को आसानी से पूरा कर सकेंगे। जो हुआ है उसका कोई सबूत मिला है? हमारी पार्टी ब्रह्मा को सपोर्ट नहीं करेगी। ये क्या बकवास है ब्रह्मा? लोग कुर्सी के लिए इतना क्यों सकते हैं सोचा नहीं था। चलो आ तो रहा हूं। उठा लो। पगड़ी पहनाना जरूरी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल जरूरी है सर। IPC 376 पोस्को एक्ट Section 4 and 5। ये प्रोटोकॉल नहीं कानून है सर। चलो
इस वाले से खोलो इसे। ओके सर। ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, तुम रोड पे आते थे तो आगे कौन वो है, पीछे कौन वो है? जब तुम लोगों के बीच आते थे तो वो चीखते थे, चिल्लाते थे, बाहुबली आ गए, बाहुबली आ गए। कहां गए वो लोग? My experiments with truth, मोहनदास करमचंद गांधी। ब्रह्मा एक काम कर, तेरी एक्सपीरियंस है, तू भी एक किताब लिख दे, उसे नाम देना My results with truth by ब्रह्मा। दूसरों के लिए जीने से किसी का भला नहीं होता, ये बात तेरी किताब पढ़ के लोग समझ जाएंगे, बेस्ट सेलर बन जाएगी। कोई इमोशन तो दिखा ब्रह्मा, गुस्सा या फिर डर। मेरा दुश्मन मुझसे नहीं डरता, ये मेरे लिए हार से बड़ी बेइज्जती है। तुझे यहां बंद करवा के जंग तो मैं आसानी से जीत चुका हूं, वहां बाहर तेरे अपने लोग तेरे पुतले जला रहे हैं। I pity you. All right. हम एक दूसरे के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट करते हैं। तेरे जो 40 एमएलए हैं, उन्हें मेरे बारे में दो चार अच्छी बातें बताकर भेज दे, लेकिन परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन जैसी बेतु की बातें बताकर उन्हें कंफ्यूज मत करना, और तू भी ये पागलपन छोड़ दे। तेरे 40 एमएलए के सपोर्ट से मैं मंत्री पद की शपथ लूंगा और बैंड बाजा के साथ जेल से तुझे निकालने खुद आऊंगा। डील। मैंने सोचा था जेल की रोटी खाकर तेरी सारी हेकड़ी निकल गई होगी, बट आई वॉज रॉन्ग। अभी बता रहा हूं, तेरे 40 एमएलए को मेरी तरफ करने का तरीका मैं जानता हूं। तू यहीं बैठ और इन किताबों को अपना दोस्त बना ले, क्योंकि पूरी जिंदगी तू यहीं सटने वाला है। बस कुछ दिनों में मैं अगला सीएम बनूंगा और फिर तेरे स्टेट को मेरी नजर लगेगी, देख लेना।
Open the door. Open the door. ऐसा लगता है कि बड़ी लंबी प्लानिंग चल रही है। अपने इस छोटे भाई को भूलना नहीं। कहो तो अभी आ जाता हूँ। अभी इसकी जरूरत नहीं है। सही वक्त का हम इंतजार करेंगे। Wait for my command। जरूर। खलाफ़िस। खुदा हाफ़िज़। बनाने के लिए गवर्नर ने दिया हुआ टाइम नजदीक आ रहा है, लेकिन अब तक हम तैयार नहीं हैं। इसकी वजह आप सब हैं। जरा बात समझिए और अपना फैसला बदल लीजिए। पार्टी के लिए क्या सही है, ब्रह्मा जी से बेहतर कोई नहीं जानता। उनके बिना हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब सरकार उठाकर ऑपोजिशन की झोली में डाल दे, यही कह रहे हैं ना? अगर वो यही चाहते हैं तो हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो है ना? आपका मसीहा इस वक्त जेल में पड़ा है और ऐसे लोगों को हम पार्टी में नहीं रखते। ब्रह्मा जी पार्टी के सदस्य हैं मैडम। 40 एमएलए, 4 मंत्री और लाखों कार्यकर्ताओं के जरिए वो हमारे साथ ही हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये महान स्वर्गीय पीकेआरजी की पार्टी है, प्लीज इसके टुकड़े मत कीजिए। मुझ में क्या खामियां हैं बताइए, मैं उन्हें बदलूंगा। बदलने की जरूरत नहीं है जय, बस आप एक सवाल का जवाब दीजिए। इतने साल पीकेआरजी के साथ रहने वाले ब्रह्मा आज आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि जय के साथ यहाँ मैं खड़ी हूँ। देखिए, मैं पिताजी से भी ज्यादा जिद्दी हूँ। ये बात आपका लीडर अच्छी तरह जानता है। पार्टी को कैसे बचाना है, जय को सीएम कैसे बनाना है, ये मैं जानती हूँ। मिनिस्ट्री में रहना है या नहीं डिसाइड कर लीजिए। ब्रह्मा जेल में, लेकिन फिर भी इन लोगों की अकड़ देख रहे हो तुम? अभी तो है, पर ज्यादा देर नहीं। आने से पहले लाइफ इंश्योरेंस ले लिया था ना? दुनिया में तेरी लाश को चाहने वाले बहुत हैं, उनके सपने हम पूरा करेंगे। अच्छा हुआ तुम आ गए, वैसे भी मैं जेल में बहुत बोर हो रहा था। सपने ऐसे देखा करो जो साकार हो पाए, क्योंकि ये सपना तो अधूरा ही है। इस बार तू नहीं बचेगा।
तेरी लाश के बदले 15 लोगों की लाइफ सेटल होगी। सिंगल पेमेंट, ऐसा मौका कोई छोड़ेगा? तेरी जान की कीमत क्या है ये तुम भी जानते हो। इतनी आसानी से जाने दूंगा क्या? हाँ तो फिर खेल शुरू किया जाए। एक काम कर, शटर बंद कर दे और एम्बुलेंस को फोन कर। जाकर जिसने भेजा है उसे बोल दे मैं राजनीति से दूर हो गया तो क्या, लेकिन राजनीति मुझसे दूर नहीं हुई है। तो डब्बे का दूध पिला दे। मैं जो कह रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? इस बोझ के साथ और नहीं जी सकती।
जब तक मैं टीवी पर जाकर सच नहीं बताती मेरा मन शांत नहीं होगा। मुझे अभी क्या भी वहां जाना है। हेलो, जय भैया, रेनू का है ना? वही आश्रम वाली लड़की, ब्रह्मा के साथ गलत किया है, मैं जाके सच बोल देती हूँ, ऐसा कहकर बहुत परेशान कर रही है। आप पासपोर्ट और कुछ पैसे भिजवा दीजिए तो इन्हें देश से निकाल देता हूँ। देश से क्यों, दुनिया से आजाद करो। भैया मैं जो बोल रहा हूँ, कोटी मैं पहले से ही टेंशन में हूँ, इरिटेट मत कर, दोनों को खत्म कर दे। उसकी जरूरत नहीं है भैया, उन्हें मैं संभाल लूंगा। ब्रह्मा का गुस्सा इस पर क्यों निकाल रहा था? अब तक मेरी पॉलिटिक्स देखी है, अब मेरी पॉलिटिक्स भी देख ले। थोड़ी चीनी तो मिला दी होती। चीनी बहुत है सर। कहाँ है? आपकी डायबिटीज रिपोर्ट में। क्या रहे नायडू? बाकियों को कॉर्पोरेट अस्पताल में ट्रीटमेंट देता है और खुद यहाँ प्राकृतिक ट्रीटमेंट लेता है, तो कितना दोगला है। तू मेरे पीछे यहाँ तक पहुँच गया, फिर भी तेरी मदद मैं नहीं कर सकता। अच्छा, छुट्टी मनाने के लिए मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा था पता है? ए वर्मा, पीकेआर जिस दिन मरा ना उस रात वो मेरे सपने में आया था। नायडू, अगले सीएम तुम ही बनोगे। भविष्यवाणी सच हो रही है। देखो ब्रह्मा जेल में है, जय टेंशन में, तू यहाँ गिड़गिड़ा रहा है। अब तो कुर्सी मेरी। जय हार गया तो जेजेपी नीचे और तेरा पलड़ा भारी यही सोच रहा है ना? लेकिन तब एंटर होगा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा सीधा साधा नहीं है नायडू। जेजेपी जब तक जय के पास रहेगी हम उससे पार्टी की लगाम कभी भी छीन सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा के हाथ में गई तो क्या सपना देखा था? नायडू अगला सीएम तू ही बनेगा, ऐसा सपना देखने के लिए नींद भी नहीं आएगी। तो क्या करना है बताओ? ऑपोजिशन की इमेज डैमेज नहीं होगी, ये मेरी गारंटी। बस एक बार तेरे 27 एमएलए हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, है ना? इतने पैसे चाहिए, मैं इंतजाम करता हूँ। हमारे पास 100 एमएलए, उन्हें अपने पास रखने के लिए और मेरे खरीदे हुए 27 एमएलए को देने के लिए गोरी भर भर के नोट चाहिए होगी। उस मुंबई वाले बंदे से बात करो। बोल जाए, ऑपोजिशन के कुछ कुत्तों को हमारी पार्टी का पट्टा पहना है। Once that's done, we are through. अब सब तुम्हारे हाथों में। टिम्बर फैक्ट्री में जो कुछ हुआ वो लुकास को अच्छा नहीं लगा। अब तो जिसने पिछली बार टांग अड़ाई वो जेल में, रोकने वाला तो छोड़ो पूछने वाला भी कोई नहीं है। मेरे सीएम बनते तुम्हें यहाँ ड्रग्स का बिजनेस सेटअप करके दूंगा। यू नीड नॉट वेट, पैसों के साथ ड्रग्स भेजकर तुरंत बिजनेस शुरू कर दो। ठीक है जो, मैं लुकास को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स। ब्लास्ट कर दिया, किसने कैसे?
ये कैसे हो सकता है जय? अगर समय पर पैसे नहीं दिए तो ऑपोजिशन का सपोर्ट बस भूल ही जाओ तुम। मजाक लगा कर अब तक गवर्नर के सामने दो बार हाथ जोड़ के मीटिंग पोस्टपोन करवाई है, किसको से जाऊंगा? ऐसे ही चलता रहा तो सीएम कभी नहीं बन पाओगे। हमारे प्लान्स पर कोई पानी फेर रहा है उसका पता लगाने के बजाय सीएम मैं ही बनूंगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो। माफी मांग के सुलह कैसे करूं? उतने में उस जय ने गुंडे भेज दिए। जी जी, कितनी नीच, कितनी गिरी हुई सोच है उसकी। मैं अपनी गलती मानता हूं ब्रह्मा, भाई मुझे क्षमा कर दो, बस इतना ही कहता है। तो बस यही कहने आए थे? दरअसल मेरे पास एक प्लान था। अगर हमारी पार्टी को बचाना है तो या तो तुम्हें सीएम बनना पड़ेगा या तुम्हें मुझे सीएम बनाना पड़ेगा। सच में यही कह रहे हैं? नहीं, बात ऐसी है, मैं बनूंगा तो नाम का सीएम। लोग यही कहेंगे पार्टी पीछे से ब्रह्मा चला रहा है, रिमोट सीएम किस काम का? तुम्हें कुर्सी की जरूरत हो या ना हो, कुर्सी को तुम्हारी जरूरत है। करता धरता पार्टी के तुम ही हो, यही बताने के लिए आया था। पक्का यही कह रहे थे ना? ठीक है ब्रह्मा, मान लेता हूँ। यहाँ आया हूँ, तुमसे माफी मांग रहा हूँ, अपने स्वार्थ के लिए, अपने इस स्वार्थ के लिए आया हूँ। मान लिया मैंने, बेकार ही के रहते मुझे जीतने की आदत पड़ गई है। पावर का जैसे नशा सा हो गया है मुझे। इसमें गलत क्या है बताओ? बता तुम्हें, नशे के लिए जंगल में बंदर भर पेट धतूरा खा लेता है, उसे पेट भी भरता साथ ही साथ नशा भी हो जाता है। सोचो मैं कई बंदर, माना मुझे अपना पेट भरना, लेकिन जन जागृति पार्टी का भला भी तो कर रहा हूँ ना, है ना? तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के सच के सिवा कुछ कह ही नहीं पाता। तुम हाँ तो कह दो, वो 100 MLA तो क्रिकेट है, 2 मिनट में रंग बदल देंगे। बस तुम हामी भर दो ब्रह्मा, बोलो। ब्रह्मा जी की जय, सिर्फ हाँ ही काफी है। यही कहने आए थे, यही कहने आए थे पूछ पूछ कर इस धरती पर मेरा मकसद क्या है याद दिला दिया तुमने। बाकी सब मैं संभालूंगा, सिर्फ बातें नहीं करके दिखाऊंगा।
शहर है ये राजा? ये मेरा हथियार है और मैं अपने बॉस का इसे मुझे दे। ये नहीं, ये मेरा अपना बच्चा है। अच्छा, तो ये बात एक बार बॉस को बोल दे, जो वो कहेंगे मैं करूंगा। भैया कोटी। जय भैया, रेनू का प्लीज उसे कुछ मत कीजिए, वो मेरी बीवी है और ये मेरा बच्चा है। भैया मैंने कहा था मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन ये नहीं कर सकता। इसको देखते ही समझ गया भैया, इन्हें छोड़ दो भैया, हम बहुत दूर चले जाएंगे भैया। आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए भैया, इनको नहीं। उस बच्चे को बचाने के लिए तुम खुद मरने को तैयार हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आप नजरअंदाज कर रहे थे तब तक तो ठीक था, आगे का पता नहीं। ये बात मुझे अच्छी लगी, अहंकारी हूँ। सर मैं तो साहस दिखा रहा था, आप इसे अहंकार समझ बैठे, मेरी क्या गलती। क्यों बुलाए मुझे सर? ये हमारी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की एक कंप्लीट लिस्ट है, इनकी पूरी खबर मेरे पास रहती है लेकिन कोई सबूत नहीं है। सर आपके सारे कामों का रिकॉर्ड मेरे पास है, आपको देखना है। थैंक यू, उस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम अंदर के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को जगाओ और इनके बारे में कहीं से भी सारे सबूत इकट्ठे करो। सर अगर उसे दिया तो मैं आपकी अगली चाल जानता हूँ, आप सबको ब्लैकमेल करेंगे, सीएम की शपथ लेकर कुर्सी से चिपक जाएंगे। कल ही होम मिनिस्टर मिस्टर वर्मा यहाँ आए थे ना, सर मुझे क्यों प्यादा बना रहे हैं आप? गोवर्धन बैठो। Judge a book by its cover. तुम जितना जानते हो, that's just the tip of an iceberg. मैंने टिप भी देखी है, iceberg भी देखा है। मुखौटा आपका politician का है, पर काम criminals के हैं। मैं दूध का धुला हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूँ, ये पूरी ईमानदारी से कह सकता हूँ। ईमानदारी की बात आपके मुँह से शोभा नहीं देती। तुमने ईमानदार रहकर क्या उखाड़ दिया? 10 मिनट में बदल जाए, ये कोई पंक्चर हुआ टायर नहीं है, समाज है। सर इधर खाली बैठे हो, अच्छे डायलॉग ही लिख लेते। अगर मुझे किसी बात पर यकीन है तो मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, किसी भी हद तक जा सकता हूँ मैं। किस हद तक जा सकते हो तुम? किसी भी हद तक सर, मुख्यमंत्री PKRG की हद तक जा सकोगे? उनकी तरह ईमानदारी से लड़ने की हद पार कर सकोगे? सुनिए मास्टर जी, पापा ने सच में बुलाया था ना? मुख्यमंत्री जी को याद है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए तुम्हें बुलाया है ब्रह्मा। ये कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे सही नहीं लग रहे हैं, अगर मैं इजाजत दे दूं तो भविष्य में पीने का पानी हो या सांस लेने के लिए हवा, ये सब कुछ एक व्यापार बन के रह जाएगा। लोगों की कितनी सारी जरूरतें हैं, शिक्षा, दवा खाना, घर,
अगर ये सारी चीजें सरकार उठाकर प्राइवेट सेक्टर को सौंप दे तो फिर सरकार का मतलब ही क्या रहेगा, क्या मकसद रहेगा हमारा? जब हमारे पास पार्टी फंड मांगने आते तब तो कुछ नहीं कहा था आपने? हमारे पैसों से सीएम बने हो, हमारे लिए करना ही होगा आपको, इसलिए नहीं बनाया कि हमारे ही प्रोजेक्ट रिजेक्ट करते रहे आप? समाज सेवा करने का इतना ही शौक है तो गांव जाके एनजीओ खोल लो। चार कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन करने के लिए बोला तो प्रवचन देने लगे। एक बार मेरी बात तो सुनिए। आपकी बात सुनने का हमारे पास अब टाइम नहीं है। इफ यू डोंट साइन द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लाइसेंस फाइल्स बाय टुमारो आप इस सीएम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, याद रखना। चलो बात समझने की कोशिश कीजिए, रुक जाइए। मुख्यमंत्री जी की आंखों से गिरा हुआ सिर्फ एक आंसू लाखों लोगों के सुनहरे भविष्य पर आ ले जाता। उन्होंने इस राष्ट्र को ईमानदारी से चलाने का सपना देखा था। उस सपने की कीमत जानते हो? जिस पर उंगली उठा रहे हो मेरी वही जिंदगी। कुछ अच्छा करना हो तो पावर जरूरी है और पावर के लिए पैसे जरूरी है। ये राष्ट्र पी के आर जी की सही रास्तों पर आगे बढ़ सके इसीलिए मुझे गलत रास्ते पर चलना पड़ा। वो जो भी हो क्रिमिनल तो आप भी बन गए थे ना। हीरे को हीरा काटता है और बुराई को बुराई हराती है मेरे भाई। और कोई रास्ता नहीं था? नहीं था। यहाँ कमजोर सच से ज्यादा इज्जत एक ताकतवर झूठ को मिलती है, इसीलिए सच का पलड़ा हल्का रहता है। सत्यमेव जयते, मुझे इस पर यकीन है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। बंदूकों के बंदूक हम आग है जी हम, हम दो बारूदों पे रख देते कदम, दिल में रखते छुपा के अश्क हम, इस हरियाली के लिए देंगे लहू का हर एक बूंद हम। ओके लिसन एवरीवन, फॉर सम सेंसिटिव रीजंस हम आप सबके फोन कलेक्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी? ओके मैडम। Out of this place, all of you, out.
कॉलेज बाथरूम में बेहोश होकर गिर गई थी मैडम। उसकी क्लासमेट ने देखकर मुझे फोन किया। हाई प्रोफाइल केस के लिए हॉस्पिटल बेस्ड है मैडम। शी इज अ वेरी हैवी ड्रग यूजर मैम। सुबह फर्स्ट लेक्चर के वक्त बेहोश हो गई थी। इसका मतलब ये साफ है कि ड्रग्स घर पर लिया था। जानवी ने जो ड्रग लिया है वो कोई रेड ड्रग नहीं है मैडम, वो बिल्कुल एलएसडी और वीड की तरह था। कॉर्पोरेट सेक्टर में ये बहुत कॉमन है। इस रूम में अभी अभी होश आया है, लेकिन शायद आईवी फ्लूइड्स देने पड़ेंगे। दो तीन दिन हॉस्पिटल में रहने दीजिए, अकेले में बात करनी है। ओके मैडम। जानवी के सभी मेडिकल रिपोर्ट्स हमें चाहिए। वो टेस्ट बस नॉर्मल है। वरना एक नार्कोटिक केस छुपाने के लिए हॉस्पिटल पर और कॉलेज पर केस भी हो सकता है। अब रिपोर्ट्स मिलेंगे। ड्रग्स कहाँ से मिला तुम्हें? हमारी फैमिली, पापा की इज्जत, पापा का नाम, इसका ख्याल ही आया तुझे? तक जो भी मांगा मैंने सब लाकर दिया तुझे। कैसे आदत लगी इसकी बोलो। बताऊंगी तो भी नहीं मानोगी, पहले बताओ मुझे। जय, तुम्हारे पति देव आजकल की बात नहीं है, सालों से मुझे दे रहा है। जाकर पूछो उससे। खुद की गलतियों का इल्जाम दूसरों पर डालोगी? जय को नाम से बुलाने की हिम्मत कैसे की? ऐसे घिनौने लोगों को और क्या बुलाना चाहिए, आप ही बताओ। असल में उस घर में क्या हो रहा है, मुझ पर क्या गुजरती है, आप जानती भी है क्या? मुझ पर भरोसा नहीं करना है तो मत करो, बट प्लीज डोंट ट्रस्ट हिम। वो जय, मुझे पता भी नहीं होता था, पर वो रोज मेरे खाने में ड्रग्स मिलाता था दीदी। मुझे ड्रग्स की लत लगाती, अब ड्रग्स के बदले में मेरे साथ सोने के लिए टॉर्चर कर रहा है। हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन को समय दिखावा है। He's a pervert। पापा की कसम दीदी, अगर आप भी यकीन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, प्लीज मुझे बचा लो। सत्या, मैंने सुना जानवी हॉस्पिटल में है, कैसी है वो? जानवी को ड्रग्स की लत है ये मैं जानता था, तुम्हें फिक्र होगी इसीलिए तुम्हें बताया नहीं। मैंने लत छुड़वाने की बहुत कोशिश की लेकिन बात आगे निकल गई थी। डर्टी ड्रग्स, किसने आदत लगाई उसे? अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? अपनी आवाज पूरी करने के लिए तुमने उसे ड्रग्स दिया? उसे छूने की हिम्मत की तुमने? पता चल गया, हाँ हिम्मत की, लेकिन इतने जिंदी काम के लिए ड्रग्स की आदत लगाऊंगा? I'm very focused, Satya. तुमसे शादी करना, जानवी को ड्रग्स देना, इसके पीछे सिंगल एजेंडा था, CM, पावर। उस पावर के लिए तेरे मंकेतर को मार दिया, तुझे पटाया और तेरे बाप के साथ खड़ा हो गया। कल को अगर कोई गड़बड़ हुई और किसी ने मेरे बारे में टेढ़ी खबर छापी तो BKR और तू मेरा साथ ना छोड़े, इसीलिए जानवी को ड्रग्स की आदत लगाई। प्लान सिंपल है सत्या, पॉलिटिक्स में सपने पूरे करने हो तो भरोसा तोड़ना ही पड़ता है। एवरी ब्लडी थिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और इस वॉर में अपनी आर्मी मैं खुद हूँ। हर रोज मुझे तुम सबसे अकेले जंग लगनी पड़ती है, कितनी तकलीफ होती है इसका अंदाजा भी है तुम्हें? ब्रह्मा के खिलाफ तुमने मुझे हथियार बनाया था ना, CM बनने के लिए मैंने तुम्हें हथियार बना दिया। सब फिटोस सत्या,
बुरा इंसान होकर अच्छे इंसान की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। आई डिड माय बेस्ट। जिस घर का नमक खाया, जिस घर का नमक खाया, बात पूरी करो। मानता हूं मैंने इस घर का नमक खाया है, पर तूने मेरा प्यार चखा है, तेरी बहन ने मेरे ड्रग्स खाए, तेरे बाप ने भी जहर खाए। मैंने ही दिया था। मैंने आपका फैसला सुन लिया, अब मेरा भी फैसला सुन लीजिए। आपकी बेटी जानवी को सत्या, तुम हमेशा कहती हो ना जब तुम्हें जिंदगी अधूरी लगती है तो मैं आकर उसे पूरी करता हूँ। तुम्हारी जिंदगी अधूरी मेरी वजह से है। बेसिकली इस पूरे परिवार को ही मैंने अपने इशारों पर नचाया ताकि मैं सीएम बन सकूं। जानवी इस शहर में कौन से ड्रग डीलर से मिली है, किससे बात कर चुकी है, सारी डिटेल्स है मेरे पास। इतना एविडेंस काफी है। नार्कोटिक्स केस मिनिमम 6 साल। नहीं, अभी तुम मेरी बात नहीं मानी तो और भी प्लान्स हैं मेरे पास। तेरे बाप को मारा था, तू और तेरी बहन क्या चीज है। लेकिन तेरी पूरी फैमिली को मारने का क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे, ओके? और तुझे आज तक जो तेरी जिंदगी अधूरी लगती आई है ना, उसे मेरे सिवाय कोई पूरा नहीं करेगा। होप यू अंडरस्टैंड दैट। जल्दी आया हूँ और अब जग में
से बात करें। जो ये चाहते थे आज हम उनके सामने खड़े। सत्या, इस दुनिया में खून का रिश्ता सिर्फ तुमसे ही है। उसी की वजह से जिसके करीब रहना था उसे ही दूर कर दी मैंने। नहीं सत्या, इस भाई ने हमेशा तुम्हें दिल के करीब रखा है। जैसे लोगों को देखते ही सलाम ठोकना पड़ता है, लेकिन आपकी हालत किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, इसीलिए हिम्मत कर रहा हूं। आपकी बहन ने जो ड्रग्स लिए हैं, ड्रग पेडलर्स का कांटेक्ट, कॉल रिकॉर्डिंग्स की डिटेल्स, कल की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स, सब इस मोबाइल में मौजूद है। ये सब आपके पति के कहने पर हुआ है, प्रमोशन का गाजर जो दिखाया, लेकिन आपको देख के जो इमोशंस जाग रहे हैं उसके सामने प्रमोशन कुछ नहीं है, इसीलिए ये चांस मिस नहीं करना था। आपका गुस्सा जायज है, पर छोटी बहन का सवाल है। आपके पति ने भी साथ छोड़ दिया, मैं सब जानता हूं। तो अब सवाल है योर प्लेस और माइन। अब जरा दिमाग लगाकर दिल से फैसला कीजिएगा। परिवार को बीच में लाया, बहन के साथ बदतमीजी की, क्या सोचा तो बच जाएगा। Thank you.
जो सपना देखा, 20 साल की मेहनत, तुम्हारी एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। हमारे साथ साथ चैनल के सारे एम्प्लॉइज की जिंदगी बर्बाद कर। स्टॉप इट राम, तुम कह रहे हो कि मेरे फैसलों की वजह से सैकड़ों परिवार रास्ते पर आ जाएंगे ना? तो फिर ठीक है, मैं रिजाइन कर रही हूँ। पता है दुनिया में सबसे बुरी बात क्या है? कुछ सही करने वाले लोगों को यकीन दिलाना कि वो गलत कर रहे हैं। अब श्वेता के साथ भी तुम वही करने जा रहे हो। ये गलती मत करो। ठीक है सर, जो मैंने आपके साथ किया वो गलत था। गलत तो थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, तो सिर्फ मीडिया को ही क्यों दोष दिया जाता है? ये तो हिपोक्रेसी हुई ना सर। ये बात कोई और बोल सकता है, तुम नहीं। फोर्थ पिलर यानी मीडिया, बाकी सबकी गलतियों पर रोशनी डालना ही उसका काम है। इस समाज में जो चोरी करता है हम उसे चोर कहते हैं। फिर सच्चाई चुराने वाले लोगों को हम क्या कहें? न्यूज चैनल्स कहें? सारी न्यूज नमक मिर्च लगाकर दिखाते हो, मन को लुभाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स डालते हो। दुख की बात है कि एंटरटेनमेंट चैनल से ज्यादा नहीं लगते आज के ये न्यूज चैनल्स। ओके राम, सर पे कर्ज हो तो सही गलत का फर्क क्यों नहीं जाता है? ये मुश्किल मैं दूर कर सकता हूँ, फिर ईमानदारी से काम करोगे? कर सर, आपको जितना लग रहा है उतना छोटा नहीं है। बस अब से एनएनटीवी की एडिटोरियल पॉलिसी प्रिया ने बताई थी वैसी ही होगी। मैं जय की तरह नहीं कि सौदा करने के बाद अपनी जबान से पलट जाए। धोखा मिलने से पहले भाप लेने वाला ब्रह्मा। आपकी शर्ट पे खून। घर साफ करना है तो अपने हाथों को गंदा करना ही पड़ेगा। मेरे सारे MLAs की डिटेल फाइल तो मैंने भिजवा दी थी, अब मेरे पास घंटा कुछ नहीं बचा। क्या लेने आया? लेने के लिए नहीं, देने के लिए आया हूँ सर। इसमें जो फिल्म है वो एक बार देख लेना और अपने सारे MLAs को भी दिखाना, ऐसा ब्रह्मा जी ने बोला है। इसमें फिल्म? हाँ सर। नाम क्या? KCPD सर। KCPD? यस सर। ये क्या होता है? देख लीजिए, पता चल जाएगा। बनने का शौक है, मैं नहीं जानता था। अरे इसमें मैं थोड़ी हूँ, फिल्म देखने जा रहा हूँ बोला तो बीवी बच्चों ने बोलने लगे कि हम भी जाएंगे। फिल्म लेके नहीं आया? बहुत अच्छा किया, ये फैमिली फिल्म है भी नहीं। मैं जानता हूँ आप बड़े रंगीन आदमी हो, फिल्म में फुल ऑन ग्लैमर आइटम सॉन्ग, हीरोइन को कपड़े भी छोटे छोटे बनाए होंगे ना? नमस्कार, आप तो कपड़े देख रहे हैं, वर्मा जी तो एक कदम आगे हैं। चलिए आइए आइए। इसमें बहुत खतरनाक नजारे हैं। अगर आप में से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है ना, तो अपने साथ अपनी दवाइयाँ रख लीजिएगा। अरे बहुत फिल्में देखी है, जल्दी शुरू करो। जल्दी करो। इस फिल्म के सारे पात्र और सारे कलाकार काल्पनिक नहीं है, सभी असली हैं। आप सब बड़े दिल वाले हैं तो अपना एक घंटा तो मुझे दे ही सकते हैं। तो मैं राशि के हिसाब से आप सभी का भविष्य दिखाना चाहता हूँ। आप सभी का करप्शन देखकर मुझे भी ऐसे काम करने की प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। पहले श्री कृष्ण चौधरी जी, एक स्विस बैंक अकाउंट, लंदन में होटल और बेनामी लोगों के पास इनकी 13,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। भैया हार तो ठीक है ना? कभी भी रुक सकता है। 5 मिनट रुकिए, सेव पूरी लेकर आता हूँ। नेक्स्ट, गोपाल रेड्डी जी, सिंगापुर में पावर प्लांट्स, इंडोनेशिया में कार्गो शिप कंटेनर्स। उसके बाद वीर नायक जी, यूरोप में हजारों। ये क्या बोल रहा है? अब उसमें कोयला होगा या हीरा, रिपोर्ट मेरे पास है। और अब कुंडल राव जी, आपके गांव से 2 पर्वत गायब हो गए हैं। राव जी पहाड़ से चूहा निकले या फिर रत्न? क्या बोल रहा है?
ये थिएटर है, पार्लियामेंट नहीं। तुम सबके स्क्रीन टाइम और डायलॉग है मेरे पास, और शायद तुम्हें पता नहीं ये ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी है। इसमें बिटकॉइंस है, काला धन है, क्रिकेट बेटिंग है, बड़े बड़े स्कैम्स है, अश्लील वीडियोस भी है। बैठो, ये देखिए। मैंने खुद 10 बार देखी है फिल्म, अब बचने का कोई मार्ग नहीं है। अगर तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में है तो मेरी गर्दन उसकी तलवार पे है। कौन है वो आदमी, हम उसे देख लेंगे। चुप हो गए, चिल्लाओ ना, अब भोगो। भोगने के लिए किसे बोल रहे हो, अब कुत्ते हैं क्या? तुम्हारा अत्याचार सहने के लिए इस भ्रष्ट शासन में तुम सब लोगों को मरने के लिए चुना था क्या? क्यों बे, ये सब दिखा के हमें डरा रहा है? हाँ, डरा रहा हूँ। अगर गलती मान लोगे तो ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, अगर फिर भी जिद करनी है तो ये फिल्म पूरी दुनिया में रिलीज कर दो। ऐसा हो गया तो लोग तुम्हें बीच चौराहे पर नंगा करके मारेंगे। इतने दिन रोड कॉन्ट्रैक्ट्स, मिट्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, हाईवे कॉन्ट्रैक्ट्स, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, लिकर कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर टैक्स पेयर्स के पैसे खाकर सांड बन गए तुम लोग, लेकिन फिर भी तुम लोगों का पेट नहीं भरा। ये जो तुम लोग सांस ले रहे हो ना, समझ लो उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है, और इस कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ एक ही रूल है, पहले लोगों की भलाई देखी जाएगी, सारे फैसले जनहित में होंगे। अब लालच से ज्यादा दिल में गलती करने का डर होगा। याद रखना, गलती की सजा देने की हिम्मत है मुझे। सत्या, जानवी कहाँ है? स्मार्ट, वैसे सुना है तुमने और भैया ने सुलह कर ली है। कोई नहीं, मेरे लिए अच्छा है। एक काम करो, तुम्हारे पास जो 100 MLEs है और तुम्हारे भैया के पास जो 40 MLEs है, टोटल 140 MLEs को मिलाकर ये अनाउंस कर दो कि अगला CM मैं बनाऊंगा। अनाउंसमेंट के 1 घंटे बाद जानवी तुम्हारे पास होगी, और अगर तुमने जिद की तो भगवान के पास। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। ये सपोर्ट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें हमारा फायदा है। जिस दिन हमारी कंसाइनमेंट डूबी, लुकास को एक अनोनिमस वार्निंग आई थी, ये आज के बाद कभी स्टेट की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। He's really upset. हमारे काम में डांग अड़ाने वाला कौन है ये उसे देखना चाहता है, इसीलिए लुकास खुद यहाँ पर आ रहा है। So I guess you're lucky.
सब देख लूंगा, यू डोंट वरी। जान देना बेवकूफी होगी भाई, आप बीच में मत पड़ो, ये हमारा मैटर है, मैं निपटूंगा। ना ये तेरा मैटर है, ना मेरा मैटर है, ये फैमिली मैटर है।
किसका? तेरे बड़े भाई के बड़े भाई का, गॉडफादर। राक्षस हूं ब्रह्मा, इतनी जल्दी हार कैसे मान लूंगा? भाई किला, ये तेरा राजा हुआ चक्रव्यूह है। ये ब्रह्म चक्रव्यूह है। तुम अभी तक जिंदा हो उसकी वजह मेरी बहन है। तुम्हें कहा था ना कि ये फैमिली मैटर है। तो ये लो फैमिली गिफ्ट। व्यापारियों के साथ मिलकर सबको दबा कर खुद ऊपर आने की साजिश की। तो अब जय के साथ पार्टी क्या करेगी? उसकी असलियत बाहर आते ही देश छोड़कर नपुंसक हो गया है। किधर गया पता नहीं भाई, वी डोंट नो। मेरे पापा ने जो सपने देखे थे उन्हें साकार करने के लिए एक ताकतवर लीडर और उनके वारिस श्री ब्रह्मा तेजा को इस राष्ट्र का मुख्यमंत्री घोषित कर रही हूँ।
जनजागृति पार्टी के सारे सदस्यों का, यहाँ खास बुलाए हुए लोगों का और मीडिया का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस राष्ट्र और पार्टी का भविष्य तय करने के लिए ही मैंने आप सब लोगों को यहाँ बुलाकर ये मीटिंग रखी है, क्योंकि आप लोगों के सामने एक जरूरी मुद्दा रखना था। लोगों की भलाई के लिए, पी के आर्च का सपना साकार करने के लिए हमें उनकी सोच पर, उनके इरादों पर अमल करना होगा। उनकी बेटी होने के नाते मैं सत्यप्रिया ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करती चलाने की काबिलियत और हिम्मत है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। आपके बगैर कैसे भैया? तुम पापा के सपने और राष्ट्र की रक्षा करो, तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं चाहे कितना भी दूर रहूं, अगर जरूरत पड़ी तो पहुंच जाऊंगा। आपको सीएम बनाना चाहती थी ताकि आप पास रहो। आप जहां भी हो वहां लोग हमेशा खुश रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। She's back in action. It's Lucas. He leaked it. Coincidentally, all the drug lords are also assembling there.